वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। हां जी, कत्री ओम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 84 गज की टू साइड ओपन 3 BHK फ्लोर दिखाने जा रहा हूँ। ये लोकेशन मैं बता देता हूँ, ये आर ब्लॉक मोहन गार्डन में है, जो नवादा मेट्रो स्टेशन या द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। इसमें जी सामने 20 फुट रोड है, पीछे 10 फुट रोड है, दोनों सीमेंटेड रोड बने हुए हैं। और यहाँ पर जितनी बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, जैसे पक्के सीवर की लाइन, दिल्ली जल बोर्ड का पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, सब अवेलेबल हैं यहाँ। सरकारी स्कूल भी यहाँ से कम 200-300 मीटर की डिस्टेंस पे अवेलेबल है। चलिए मैं आपको ना पहले आपका इसका फ्रंट एलिवेशन दिखा देता हूँ और बैक एलिवेशन भी नीचे दिखा देता हूँ। चलिए आप नीचे दिखाता हूँ। 20 फुट का रोड है पूरा, और ये फ्रंट एलिवेशन देख लीजिए। ये मैंने टाइल सारी फास्टनर लगा के लगा रखी हैं, कभी कोई टाइल गिर नहीं सकती, इसमें पक्का काम किया हुआ है। ठीक है जी, आइए अब मैं आपको पार्किंग दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, 84 गज की पूरी पार्किंग है, इसमें 5-6 गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो सकती हैं। और ये बिल्डिंग में सिर्फ 4 ही फ्लोर हैं। ठीक है जी, 5-5 फुट टाइल लगी हुई है, और आप देख लीजिए इसमें ये पानी के कनेक्शन लगे हुए हैं यहाँ पे सेपरेट सबके। ये देखो जी, सबके 4 कनेक्शन लगे हुए हैं, क्योंकि 4 ही फ्लोर इसमें अवेलेबल हैं। ये देखिए पार्किंग देख लीजिए पूरी आप। ये इसका बैक एलिवेशन देख लीजिए आप, नीचे तक सारी टाइलें लगा रखी हैं। सर ये गली भी देख लीजिए, पूरी 10 फुट गली है, ये 8-9 नहीं है, पूरी 10 फुट गली है। और यहाँ से एंट्री है, ये देख लीजिए जीना, पूरी डबल वॉल्डिंग का जीना है। ठीक है जी, स्पेसियस जीना है, कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं होती ऊपर चढ़ने में। और जीने में भी हमने पूरी टाइलें लगा रखी हैं, क्योंकि सामान वान चढ़ाते हैं ना, तब इस पर लग के फिर दिक्कत हो जाती है, सामान भी आसानी से चढ़ सकता है इस पर। ये देखो जी, ये जाली का गेट हमने लगा के दिया ऑलरेडी, आइए आप अंदर फ्लैट के। ये वॉइस इंटरकॉम इसमें यहाँ लगा हुआ है। ये 14x15 का लिविंग रूम है, इसमें किचन अटैच है जी, सामने देख सकते हो आप। और इसमें हमने RO और चिमनी ऑलरेडी लगवा के दी हुई है, पूरा मॉड्यूलर किचन है सर। और इसमें कई लोग कहते हैं कि कई प्रेफर करते हैं ओपन किचन, और कई कहते हैं पार्टीशन। पार्टीशन अगर आपने कराना है तो इसमें हमने ऑप्शन रखा हुआ है, नीचे बीम है इसके, आप दीवार का ही पार्टीशन करा सकते हो, या फैंसी जो वुडन आ रखे हैं आप आजकल, उसका भी पार्टीशन करा सकते हो। अब फॉल सीलिंग देख लीजिए, फॉल सीलिंग, कोब लाइट, पंखे, ये सब हमने लगा के दिए हैं ऑलरेडी। और सामने एक छोटा सा मंदिर विद अलमीरा, ये देख लीजिए आप। और उसमें स्प्लिट एसी की फिटिंग है। और ये देख लीजिए सर, आजकल मैक्सिमम लोग लगवाते हैं वॉलपेपर। वॉलपेपर में थोड़ी शिकायत आती है कि 5-6 महीने के बाद ना फूल जाता है वॉलपेपर, थोड़ी सी मॉइस्चर बनती है तो फूल जाता है। हमने इसमें लेटेस्ट जो है ना वो टेक्सचर किया हुआ है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी का टेक्सचर है हर एक रूम में। आइए सर, आपको ये अगला वाला रूम दिखा देते हैं। ये देख लीजिए सर, 12x11 का रूम है ये,
और इसमें एक अलमीरा भी दे रखी है हमने। और इसमें ये बाथरूम देख लीजिए सर, स्पेसियस बाथरूम है, गीजर वगैरह हमने सब लगवा के दिया हुआ है उसमें, और अच्छी क्वालिटी की हमने ये कमोड वगैरह से इसमें लगवा के दिया हुआ है। ऊपर तक टाइलें हैं पूरे। अब आप बालकनी देख लीजिए, बालकनी में एक टैप लगवा के दिया हुआ है कपड़े उपड़े धोने के लिए, ये देख लीजिए सर। आइए सर, अब आगे दिखाता हूँ आपको मैं। ये 3.5 फीट का पैसेज है, इसमें हमने फॉल सीलिंग वगैरह सब करवाई हुई है इसमें। आइए सर, अब ये दूसरा बेडरूम देख लीजिए आप, इसमें भी टेक्सचर, फॉल सीलिंग, कॉब लाइट, स्प्लिट एसी की फिटिंग और साथ में एक स्टडी टेबल हमने दी हुई है इसमें ऑलरेडी। आइए आप, मैं दिखा देता हूँ। और एक हमने कॉमन वॉश बेसिन यहाँ लगवाया हुआ है, कोई गेस्ट आएगा तो आपके हाथ को धोने के लिए बाथरूम में जाने की जरूरत नहीं है। और एक दो सेकंड बाथरूम ये है सर इधर, ये भी पूरा स्पेसियस बाथरूम है, ऊपर तक टाइलें लगी हुई हैं। ये देख लीजिए सर, तीसरा बेडरूम मैं दिखाता हूँ आपको। और इसमें सारी फ्लोर में सर 4x2 की विट्रीफाइड टाइल लगी हुई है, डबल कोर की, और दरवाजे के आगे पीछे दोनों तरफ सनमाइका लगाया हुआ हमने पूरी बिल्डिंग में। और इसमें एक अलमीरा भी है इसमें, ये देख लीजिए, स्पेसियस गहरी अलमीरा है। ये बैक साइड है सर, इसमें एक टैप भी लगवाया हुआ है, पूरा क्रॉस वेंटिलेशन बनता है बिल्डिंग में। सर ये आपने देखी मेरी 84 गज की 2 साइड 3 BHK फ्लोर है सर, ये रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, इसमें 80-90% तक लोन हो जाता है, लोन आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है सर, ठीक है सर। अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं सर, प्राइस इसका मैंने बहुत ही रीजनेबल 34 लाख रखा हुआ है सर, 34 लाख रुपये, ठीक है सर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट जरूर करें सर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सर।